Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में बात करूँगी मैं RRBPO mains के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, ठीक है, कि मैंने इसका एनालिसिस क्यों नहीं दिया. ठीक है, अगर आप एक aspirant हैं, ठीक है, एक genuine aspirant, अगर कुछ भी टाइम अगर आपने एक बार भी प्री मेन्स दे रखा है, वो चीज़ें आपके साथ हुई, तभी आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे. अदरवाइज़ मैं एक फ्रेशर से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो इस चीज़ को समझ पाएगा. ठीक है, तो बस बात ये थी कि भला कि आपने एनालिसिस देख लिया होगा, मुझे पता है बहुत से लोगों का मेंस का एग्ज़ाम था, आपने सेल्फ गिवन भी देखा होगा, इवन अंकुर सर ने खुद ये एग्ज़ाम अटेम्प किया, तो उनसे बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता. ठीक है, कि कौन सा सेक्शन कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी आपने देख लिया होगा. मेन जो क्यूरियोसिटी है लोगों को, वो मेरे अटेम्प्ट जानने की है, आई नो. लेकिन आप खुद बताओ, जब आपका कोई सेक्शनल ही एच पे हो, लाइक वो भी वो डिफ़िकल्ट टू क्लियर हो, तो आपके लिए वो टोटल अटेम्प्ट मैटर करेंगे क्या? नहीं ना. तो बस यही चीज़ें थी. एक जो होता नहीं कि हम अगर थोड़ा सा भी टाइम हमें हो जाता है प्रिपेयर करते करते, तो वो एक जो ब्लंडर होती है, जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप ये गलती मत करना, अगर हम खुद वो कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ आपको बर्दाश्त ही नहीं होती, बार बार वो चीज़ हिट करती है. और मेरे साथ यही हो रहा है. ठीक है, मैं जब भी कोई मेंस का कोई भी PDF या कोई भी आप ले लो, मॉक वगैरह मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ ना, मेरे साथ बार बार वही चीज़ हो रही है, मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा रही हूँ, ठीक है, जो गलती मैंने की एग्ज़ाम में. तो ये चीज़ है. ठीक है, बात ये थी कि मतलब जैसे स्टार्टिंग मैंने रीजनिंग सेक्शन से की ही थी. रीजनिंग सेक्शन सभी को पता है पर मेरा कैसा है, और मैंने उसी से स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक ठीक चला, मतलब लाइक जितने क्वेश्चन मतलब हुए, लेकिन जब एक पज़ल आई, उसमें जिन लोगों ने दिया होगा मीन्स, तो उसमें एक पज़ल थी, 3 countries आई थिंक दे रखा था, 8 members को वहाँ पे सेट करवाना था शायद. ठीक है, जो भी चीज़ें थी, तो उसमें एक लाइन थी कि ई के साथ इवन मेंबर्स बैठेंगे. अब वो उसमें एक ये भी था कि एफ़ के साथ ओनली 1 member रहेगा, तो मुझे ये लगा कि 2 लोग है इवन हो सकता, वो तो ई एफ साथ में रहेंगे. अब बस मैंने ई को सिर्फ एफ़ के साथ ही रिलेट करके मैंने इतनी पॉसिबिलिटी बना डाली, इतनी तो सब पजल्स मेरी बनती गई. बट जब मैं आंसर मैच कर रही हूँ, टिक करने की कोशिश कर रही, तो वो मिसमैच हो जा रहा है. तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आई कि लाइक कि ई के साथ अगर इवन मेंबर्स बैठे हैं, तो हो सकता है एक ई अपना सिंगल पर्सन हो गया अपना खुद, और 2 लोग और बैठे होंगे, तो इवन नंबर ये भी हो सकता है. वो चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं एड कर पाई, और मैं उस चीज़ को वहाँ पे नहीं समझ पाई. ठीक है, तो वो पसंद मुझसे नहीं बनी इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी. टाइम तो गया ही गया. तो ये सारी चीज़ थी, ये इतनी बड़ी ब्लंडर मुझसे, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया ऐसा कि नहीं बहुत, लेकिन एक होता नहीं कि रियल एग्ज़ाम में आपके लिए आपका एक एक मिनट कीमती होता है. अगर आपने किसी क्वेश्चन को अगर 10 मिनट दे दिया है, 5-10 मिनट 8 मिनट दे दिया, तो आप खुद सोचो कि आपने कितनी बड़ी गलती की है. ठीक है, नहीं बन रहा तो ठीक है, आप इसको स्किप करो, जैसा कि मैं आप सबसे कहती हूँ. बट वो पज़ल ही ऐसी थी, मतलब ऐसा नहीं था कुछ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डेटा दे रखा है, सिंपल सी पज़ल थी. बस एक लाइन ने उस इतना मुझे मतलब कंफ्यूज किया कि मैं नहीं समझ पाई. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी. बाकी काफ़ी लोग ब्लड रिलेशन के भी बताए थे, तो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, और मैंने क्रिटिकल के भी क्वेश्चंस नहीं देखे ऑनेस्टली. तो मैं जब वहाँ तक आगे पहुँच ही नहीं पाई उस क्वेश्चन से, तो मैंने उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि कहाँ पे क्या था. ठीक है, काफ़ी लोग बता रहे थे कि ब्लड रिलेशन में भी CND, नन ऑफ दीज या ग्रैंड मदर करके आंसर आ रहा था, तो मैं वहाँ तक पहुँची ही नहीं. तो ये चीज़ रीजनिंग सेक्शन हुई. बाकी ओवरऑल आपने देखा होगा एग्जाम का लेवल ठीक था. रीजनिंग मॉडरेट साइड में आप बोल सकते हो, थोड़ा सा लेंदी था. क्वांट मॉडरेट टू टफ आप बोल सकते हो. ठीक है, वैसे ही रहता है जैसे हमेशा रहता है थोड़ा सा. और जीए हाँ, लास्ट ईयर कंपेरिजन में थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि हाँ क्वेश्चन पढ़े हुए थे या नहीं, आप ये नहीं बता सकते क्योंकि लेंदी थे क्वेश्चन. आई मीन स्टेटमेंट वाइज, लाइक होता नहीं कि ऑल ऑफ द अबव जैसे आंसर्स दे रखे हैं, तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऑल ऑफ द अबव वाले थे, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लोगों के लिए कि हाँ इसमें क्या हो सकता है. ठीक है, स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा थे और स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ज़्यादा. ठीक है, तो जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप लाइक, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आप ये सोच के जाओ कि हाँ ये तो मतलब आना ही नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं था. थोड़ा सा लेंदी आप बोल सकते हो, बट ठीक था जीए का. और कंप्यूटर की बात करें तो डूएबल था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो भी डूएबल था. ठीक है, एंड इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो वो भी इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो. हाँ, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा. आप मेंस के हिसाब से देखोगे तो मॉडरेट साइड में आप बोल सकते हो. टफ तो नहीं था इंग्लिश सेक्शन, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ. बाकी डूएबल था इंग्लिश सेक्शन भी, आपका कंप्यूटर भी. बस थोड़ा सा क्वांट रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट साइड में, क्वांट थोड़ा टफ, एंड जीए जो था हमारा मॉडरेट साइड में, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दे स्टेटमेंट वाइज वाले. तो ये सारी चीज़ें थी. बाकी आपने देखा ही होगा रिव्यू, मैं क्या बताऊँ इसमें. ठीक है, तो मेरे साथ जो हुआ था इंसिडेंट वो रीजनिंग सेक्शन को लेके हुआ था, एंड मेरा वो वही बेस है, उसी को मैं मान के गई थी. एंड सभी को पता, आपने मेरे स्कोर्स देखे होंगे, मेंस का भी स्कोर कार्ड देखा होगा. मैंने यही सोचा था कि मैं 30+ या 35+ आराम से करके आऊँगी, और वही मेरे मतलब हर सेक्शन को मैनेज कर लेगा. बट मैं वहीं पर
वही मेरा सबसे बेकार हो गया, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, उस चीज़ को मैं भूल ही नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी ब्लंडर कैसे कर दी। बाकी मुझे नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस थे, कौन से क्वेश्चन मुझसे छूट गए, मुझसे नहीं हो पाए। क्रिटिकल का काफ़ी लोग बोल रहे थे ईजी था, जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं नहीं बता सकती कि उसके आगे कौन से क्वेश्चन थे, कौन सा क्वेश्चन डूएबल था जो मैं नहीं कर पाई। बट ये चीज़ मेरे साथ हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। बार बार मैं उस चीज़ को अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को लेकर नेगेटिव कमेंट ना करें, ठीक है। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, मतलब हैं ही, ठीक है, बट अगर आप काफ़ी थोड़ा सा भी टाइम अगर आपको हुआ होगा तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हमसे कोई ऐसी ब्लंडर हो जाती है रियल एग्ज़ाम में तो हम उस चीज़ से बाहर निकलने में थोड़ी सी हमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। बार बार वो चीज़ हमें हिट करती है कि हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, कि हम क्यों नहीं कर पाए, वहाँ पर क्यों नहीं सोच पाए। वो चीज़ मुझे बार बार मतलब परेशान कर रही है। इसलिए मैं उस दिन, मैं आप खुद सोचो, मैं उस दिन मेरी सिचुएशन क्या रही होगी, मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी, मैं क्या कहूँ, किस तरह से मैं एनालिसिस दूँ कि मैं ऐसी गलती करके आई हूँ एग्ज़ाम में। तो वो चीज़ मैं नहीं शेयर कर पाई, ठीक है। तो इस वजह से और इस तरह प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह से नहीं भी बता सकते, उस सिचुएशन में कुछ बोलने वाला भी नहीं होता अभी, ठीक है। तो मैं थोड़ा चीज़ों को बता पा रही हूँ आपसे कि क्या चीज़ें रही थी, ठीक है। बाकी जिन लोग का मेंस का एग्ज़ाम था उस दिन, आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा सेक्शन कैसा लगा और क्या रहा आपका एग्ज़ाम, मतलब कैसा गया आपका एग्ज़ाम। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो जिन लोगों का था मेंस का, ठीक है। बाकी मैं तो रिजल्ट का वेट भी नहीं करने वाली कि कैसा क्या रहेगा, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है। बाकी कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन, बट प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना इस चीज़ को लेके, लाइक इनकंसिस्टेंट हैं या किसी चीज़ को लेके, ऐसा नहीं है। कभी कभी सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं तो चीज़ें शेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एंड आगे आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम है आपका, IPSPU है एंड SBI का नोटिफिकेशन आ रखा है और RBI असिस्टेंट भी आ गया, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। किसी तरह की कोई हेल्प है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।